भाई और बहनों, आप देख रहे हैं ZRFZ YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चर्म रोग के बारे में। चर्म रोग यानी बेशर्म रोग। तो दोस्तों, इस रोग में आपको क्या करना है, हम आपको बताएंगे। हमारे मित्र जनाब श्री नफीस सिद्दीकी साहब हैं, जो आपको इस चर्म रोग के बारे में बताएंगे कि चर्म रोग में किस पौधे से क्या करना होता है। ये हमारे मित्र नहीं, ये हमारे हम सकल भाई भी हैं। तो सिद्दीकी साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पेड़ चिल्ले का है, ये चिल्ला है, इसमें किस मौसम में इसमें फल फलता है या कि क्या फलता है होता है? इसमें फल नहीं आता है, फल आता है तो वो एक 50 पैसे जैसा, सिक्का जैसा होता है। उसमें अंदर मींगी निकलती है। मींगी खाने से चर्म रोग दूर होता है। और इसके पत्ते पीस के लगाने से दांत खाज खुजली में फायदा मिलता है। जैसा कि हमें ये भी जानकारी मिली है तमाम वैद्यों के द्वारा कि इसके पत्ते, आप अगर चर्म रोग का भी बाप हो, जिसे हम लोग कहते हैं अकौता। दोस्तों, चर्म रोग का बाप हो जिसे अकौता कहते हैं, आप अको अगर किसी भी व्यक्ति को अकौता हो गया है तो उस व्यक्ति को भी इसके पत्ते, ये हैं दोस्तों ये पत्ते, इसके कुछ पत्ते आप सादे ही पीस लेंगे और पीसने के बाद उसके चर्म रोग के स्थान पर उसको थोड़ी देर के लिए लगा देंगे। ये बात सच है दोस्तों कि ये बहुत ही ज्यादा तेज छरछराने वाली दवा है और दोस्तों नाबालिग खत्म हो जाएगा। हाँ, जड़ से, जैसे अकौता जैसा खतरनाक रोग पूरी तरीके से जड़ से खत्म किया जा सकता है मेरे भाइयों। और आप इस दरख्त की ऊंचाई और लंबाई भी देख लें, कहीं पर आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, इससे बड़ा भी हो सकता है, ये देखिए इससे भी मोटा हो सकता है दोस्तों। इसके बारे में भी हम और दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों। ये देखिए कितना ऊंचा होता है ये, और अक्सर आपके देहातों में पाया जाता है, इसे चिल्ला कहते हैं। चिल्ले के अलावा भी और कोई नाम हो तो शायद, मुझे इस बारे की जानकारी नहीं है। और अगर किसी को अकौता, कितना भी पुराना हो, अकौता होता क्या है, बहुत सारे लोग अब हो सकता है ये कमेंट्स करें कि डॉक्टर आरिफ साहब ये बताएं अकौता क्या होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए अकौता क्या होता है? देखिए अकौता, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अकौता क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को अकौता यानी कि चर्म रोग होता है और चमड़ी के ऊपर मोटी सी चमड़ी जम जाती है, जब ये मोटी सी चमड़ी जम जाती है तो फिर आपको उसको हम लोग अकौता कह देते हैं, उसको अकौता कहते हैं। पकड़ो हाथ पकड़ो। और उस स्थिति में अकौता जो है, जब चमड़ी मोटी जम जाती है किसी यहाँ पर या कोई ज्वाइंट्स पर चमड़ी खुजलाते मोटी हो जाती है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि जब भी कोई पेशेंट अकौते का हो तो उसको आप क्या करेंगे कि ये कुछ पत्तियां, वीडियो देखिए हमारा आखिरी तक देखा कीजिएगा, ये पत्तियां आप सिलवट्टे में पीस लेंगे, लेकिन सिलवट्टा याद रहे उसमें लाल मिर्च न पीसी गई हो, वरना बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। उसको पीस करके एक बेस्ट पेस्ट बना करके उस जगह पर लगाइएगा कम से कम आधा घंटा, और बहुत तेज छरछराता है मेरे भाइयों, बहुत तेज छरछराएगा। याद रखिए, ये पत्तियां किसी बच्चे को मत लगाइएगा क्योंकि बहुत तेज उसको दर्द होगा, जिससे वो जलन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए ये बच्चों के लिए दवा पूरी तरीके से, ये पेड़ की पत्तियां पूरी तरीके से वर्जित हैं, केवल पूरा इंसान, हमारे आपके जैसा इंसान बर्दाश्त करने वाला लगा सकता है। और अकौता बहुत ही खतरनाक चीज होती है दोस्तों, और हम आपको ये पेड़ जो मैंने दिखाया है, तो और एक लास्ट बार यही कहूंगा कि दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें ZRFZ YouTube चैनल।